ये कौन सा मछली है? गिद्रा। गिद्रा बोलते हैं। गिद्रा हम लोग बंगाली में गिद्रा किसको कहते हैं जानते क्या आप लोग? शेरवा। शेरवा बोलो। गिद्रा हम लोग उसी को कहते हैं जैसे के नाला वगैरह है ना, गिद्रा जगह तर मैंने मेडिकल और से हम लोग नाला कोई गिद्रा जगह। फरवरी 2021 शाम के 6:03 टाइम हो चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ समंदर के पास। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कैसे सूखा हुआ मछली बनाते हैं। हम लोग बंगाली में जिसको कहते हैं खुरा मास। और ये वीडियो जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का होगा। हम लोग जो मछली खाते है सूखा मछली जो खाते है ना इतना गंदा जगह पर रखते है ना बता नहीं सकता। मैं जहाँ से अभी आ रहा हूँ वहाँ पर सूखा मछली बनाते है, लेकिन समंदर के पास इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि समंदर से मछली पकड़ते है उसके बाद समंदर से यहाँ पर लाया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को शुरुआत से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो बनाने के लिए मैं गुजश्ते कल गया था समंदर के पास, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ 7% चार्ज है। यहां पर जहाज के पंखा बन रहा है, पंखा भाई साहब बहुत बड़ा पंखा है। देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा शेप है और ये लोग 1-1.5-2 महीने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। और वहाँ से जो भी मछली वगैरह लाते हैं ना वही सब चुका हुआ मछली में खुरा मास बनते हैं। शेप से मास पकड़ने के बाद आप लोग यहाँ पर रुकता है ना और मछली वगैरह देख के मुझे हंसी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। एक्चुअली मैं नहीं देखा हूँ इससे पहले। देख सकते हैं कैसे मछली है, इतना ज्यादा ठंडा है। ये सब खाते हैं क्या? वो दरिया में खाता है क्या? अरे भाई इसका मुँह देखो, मुँह कुछ बोलोगे क्या? बोलो बोलो जल्दी से बोलो, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो भाई साहब। ये एक कौन सा मछली है? दड़ा है, दड़ा, दड़ा, दड़ा। ये दड़ा मछली, ये भी सूखा मछली बनते है? ये सांप, दरिया का सांप है। ये सांप है, दरिया का सांप, बड़ा मोटा है, दरिया का सांप। ये सब कुछ सूखा मछली बनते है ना। शिप से यहाँ से जो निकल जाते हैं कितने दिन के लिए निकलते है? 15 दिन। मैं तो सुना था यार 1-1.5-2 महीने के लिए निकलते हैं। 15 दिन। कितना दूर जाते हैं, कितना किलोमीटर होगा? तब वो तो हम नहीं जाते, हमको मालूम नहीं होता। आप लोग तो सुना होगा सर। तो 100 किलोमीटर तक जाते हैं भाई। यार कोई लिमिट नहीं है, हर तरह की मछली जो जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक कौन सा मछली है? गिद्रा। गिद्रा बोलते हैं। गिद्रा हम लोग बंगाली में गिद्रा किसको कहते हैं जानते क्या आप लोग? शेरवा। शेरवा बोलो। गिद्रा हम लोग उसी को कहते हैं जैसे के नाला वगैरह है ना, गिद्रा जगह तर मैंने मेडिकल और से हम लोग नाला कोई गिद्रा जगह। तो ये सब इन सब गाड़ी में मछली वगैरह लाते है। इसको बोलते हैं डॉन। साहिल भाई ने डॉन नंबर 1 यहाँ पर। मैं चैनल निकल रहा हूँ और ये भाई साहब वीडियो बना रहा है। हाँ समीर भाई, नाम तो मिला हो गया बनाना? हाँ अभी बनाने का बाकी है, तुम बनाओ। तो अभी मैं यहाँ से शिप के पास जाऊँगा, वो सब शिप बोलते हैं। हाँ सही, आगे आगे। और मैं भी आपके साथ आऊंगा आपको दिखाने सब। आ सकते हैं? हाँ तो आइए फिर। 15 दिन के लिए तो निकलते हैं, 15 दिन तक तो मछली जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, शिप के अंदर घर डालते हैं और शिप के अंदर बहुत सारा जगह है और बर्फ में मछली वगैरह रखते हैं ताकि बिल्कुल खराब ना हो जाए। यहाँ पर आप देखो सिस्टम देख रहा है, इस सिस्टम से गाड़ी से शिप के अंदर बर्फ डालते हैं। ओ भाई देखो कितना स्पीड बर्फ आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अंदर जो जगह है ना मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। एक मिनट पढ़िए से मैं आप लोगों को जो दिखाया हूँ ना ऊपर से गाड़ी से शिप के अंदर बर्फ डाल रहा है। तो देख सकते हैं अंदर कुछ इस तरह से बर्फ आ रहा है। ये सब मछली रखने के लिए ना ताकि खराब ना हो जाए। ये आज निकल जाएगा ना, कितने दिन, कितने दिन के लिए निकलेंगे? 20 दिन। हाँ 20 दिन। बहुत ज़्यादा ठंडा है, सर्दी लग जाएगा शायद। इधर 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 ठंडा है। और मछली जो निकलते हैं ना वो सीन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये स्टीयरिंग है, आई मीन जिधर भी घुमाना पड़ता है इसे इधर उधर घुमाते हैं। ये किससे चलता है? पेट्रोल से, डीजल से? डीजल से चलता है भाई साहब। देखो उधर जो डीजल का टैंक का, नहीं नहीं उतरने का नहीं, डर लगता है मुझे भाई साहब। शिप की इंजन देखो अंदर से कैसा है यार। और अभी आ चुका हूँ एक शिप के पास। ये शिप 10-15 दिन जाने के बाद यहाँ पर आ चुका है और देख सकते हैं इससे पहले मैं आप लोगों को दिखा चुका हुआ अंदर बर्फ डाल रहा है। और यहाँ पर देखिए उसी बर्फ के अंदर बहुत सारे मछली है। अंदर जाके अगर जाने देते तो अंदर जाके भी दिखाऊंगा। और यहाँ से मछली अनलोड करके वाला गाड़ी से ले जा रहा है जहाँ पर सूखा मछली बना के वहाँ ले जा रहा है।
तो इस सिस्टम से ये लोग मछली पकड़ के सूखा मछली बनाते हैं। वही सब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे पहले मैं आप लोग को बर्फ दिखाया हूँ ना, वो सब बर्फ यहाँ पर भी है। बर्फ के अंदर अलग अलग मछली है भाई। एक कौन सा मछली है, एक कौन सा मछली है? हाँ हलवा, हलवा बोल रहा है ना। अंदर लाइट भी है। फिलहाल घर में हुआ भी है और वीडियो वगैरह वहाँ से रिकॉर्डिंग करके घर लाया हूँ, कंप्यूटर से एडिट वगैरह कर रहा हूँ। ये वाला वीडियो जो है ना, ये बहुत ज्यादा लंबा वीडियो है, इसीलिए दो एपिसोड आएगा सूखा मछली बनने के ऊपर। पहले आप लोगों को बोल दिया था कि एक ही वीडियो में सब कुछ डिटेल्स दिखा दूंगा, अगर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बोरिंग सा फील होगा। इसी वजह से मैंने सोचा कि यार छोटा करके दो एपिसोड में बांट देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, उस एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे सूखा मछली बनते हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आई बटन में मिल जाएगा, इंडी स्क्रीन में भी आपको वाला वीडियो मिल जाएगा। आप चाहो तो आगे की एपिसोड भी देख सकते हो कैसे सूखा मछली बनते हैं। मैं आपको ये सारा प्रोसेस एक ही वीडियो में दिखा देता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसी वजह से दो एपिसोड में बांट दिया हूँ, दो एपिसोड बनाया हूँ। आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए मस्त और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। Thanks for watching this video.